प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू बेंगलुरु एक्सप्रेस हाईवे को किया राष्ट्र को समर्पित। 10 लेन के इस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजमार्ग से दोनों शहरों के बीच दूरी अब 3 घंटे के बजाय 75 मिनट में ही होगी पूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और कर्नाटक में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने राज्य को विकास की दी नई रफ्तार। एक दिन के कर्नाटक यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री का मांड्या में रोड शो के जरिए हुआ गर्मजोशी से स्वागत। दोपहर बाद प्रधानमंत्री हुबली में कर रहे हैं कई जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में CISF के 54वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, CISF ने देश की आर्थिक प्रगति में दिया महत्वपूर्ण योगदान। अमित शाह केरल के त्रिशूर में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। बखमुत पर कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध। यूक्रेनी सेना ने 24 घंटे के भीतर 500 से भी अधिक रूसी सैनिकों को मारने का किया दावा, तो वहीं रूस ने कहा यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत की स्थिति मजबूत। भारत ने पहली पारी में 5 विकेट के ही नुकसान पर बनाए 462 रन। विराट कोहली ने जड़ा शतक। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने आज मांड्या में बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें NH 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूरु खंड को 6 लेन बनाना भी शामिल है। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। इससे बेंगलुरु और मैसूरु के बीच यात्रा अवधि लगभग 3 घंटे से घटकर करीब 75 मिनट ही रह जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूरु खुशाल नगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। 92 किलोमीटर में फैली इस परियोजना को करीब 4,130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हो रहे कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी विकास कार्य तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रावधान किए हैं। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटक बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि वो देश के गरीबों के विकास और कल्याण के लिए काम करने में व्यस्त हैं, जबकि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे, कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस
एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है, कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपीए काल में गरीब कल्याण के लिए खर्च होने वाला पैसा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। साल 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जो पैसा गरीब के विकास के लिए था, उसका हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है। और पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए भाजपा सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली रकम में कर्नाटक की डबल इंजन सरकार अपनी तरफ से 4,000 रुपया बढ़ाकर दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटक के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां मंडिया के भी 3.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। वैसे मैं भाजपा की कर्नाटक की सरकार का एक और बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है। यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजना से जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक के मांड्या पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों के दोनों तरफ भारी संख्या में खड़े दिखाई दिए। हजारों लोगों की भीड़ मोदी मोदी के नारे लगाते हुए फूल बरसाती हुई नजर आई। पीएम मोदी पर लोगों ने लगातार फूलों की बारिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का इस प्रेम के लिए आभार जताया। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और लोगों पर उन्होंने भी फूल बरसाए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मांडिया में कलाकारों ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। पीएम ने इन कलाकारों का अभिवादन किया। आज की कुछ और बड़ी खबरें। दांडी मार्च की आज 93वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर महात्मा गांधी और दांडी मार्च में शामिल सभी लोगों को याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं बापू और दांडी मार्च में शामिल सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। यह हमारे देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे विभिन्न प्रकार के अन्याय के खिलाफ एक दृढ़ प्रयास के रूप में याद किया जाएगा। आगे देखेंगे कुछ और खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कल आज और कल में, देश के हर पल में। कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे की कुछ बड़ी खबरों में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना और केरल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज सबसे पहले हैदराबाद में CISF के 54वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। गृहमंत्री ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने अपने कर्तव्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले CISF कैडेटों को पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा पदक और जीवन रक्षा पदक से सम्मानित भी किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने CISF की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में CISF का महत्वपूर्ण योगदान है। 53 वर्षों का CISF का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत अहम योगदान है। क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। और गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेल लाइन और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर DGP तक सबने 53 सालों में CISF की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर
परिश्रम कर देश की अमूल्य सेवा की है। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। और हैदराबाद के बाद गृह मंत्री अमित शाह केरल का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह त्रिशूर में एक रैली को संबोधित करेंगे और श्री वडक्कुनाथन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में 54वें CISF स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर CISF कैंपस में बैफल रेंज अर्जुना का उद्घाटन किया। और अब बात संसद के बजट सत्र की, जिसका दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें होंगी और सत्र अगले महीने की 6 तारीख तक चलेगा। बजट सत्र एक महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। इस दौरान संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था और इस दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने से एक दिन पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए राज्यसभा में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को आमंत्रित किया गया है। कल से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक में उपराष्ट्रपति सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सदन का कामकाज सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील कर सकते हैं। गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले चरण के दौरान राज्यसभा में विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही और सभापति यह नहीं चाहते हैं कि बजट सत्र का दूसरा चरण भी हंगामे की भेंट ही चढ़ जाए। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में प्रेस वार्ता की। राजीव कुमार ने कहा कि भारत ने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक और भाषाई विषयों को लोकतंत्र के कारण ही स्थापित किया है। The commission completed 400th election to the legislative assembly over a period of 70 years. Not even in one case, the results have been disputed. The transition of power has taken place smoothly through the ballot, not by vote. This is what election commission is. And look at the country, if you look at 70 years, how we have stabilized. Social issues, political issues, geographical issues, linguistic issues. In this country, where we are is all because the democracy is established. And it is established because people trust our results. भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न कार्य समूहों की अहम बैठकें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में असम के गुवाहाटी में SAI 20 यानी G20 सदस्य देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक 13 से लेकर 15 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। बैठक में ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू इन दोनों ही विषयों पर बैठक में संकल्पना पत्र रखेंगे, जिस पर G20 के सदस्य देश अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें समुद्री और ताजा पानी के संरक्षण, उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने, खाद्य और ऊर्जा का उत्पादन करने, आजीविका का समर्थन करने और आर्थिक उन्नति के विभिन्न नीतियां शामिल हैं। वहीं सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों में रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर जागरूकता पैदा करने के लिए भी G20 के सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज से शुरू हो गई है। हरियाणा के पानीपत में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 14 मार्च तक आयोजित इस बैठक में संघ के कार्यों, विस्तार योजना, शिक्षा वर्ग और समसामयिक परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सह सर कार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक में वार्षिक कार्यों पर चर्चा की जाती है। एक साल भर का लेखा जोखा होता है। संघ की शाखा की स्ट्रेंथ, संघ कार्य की स्ट्रेंथ हम लोग चार पद्धति से मेजर करते हैं। एक, कितने स्थानों में संघ कार्य है, दैनिक शाखा चलते ऐसे कितने स्थान हैं, ये स्थानों में वृद्धि हो यह प्रयास होता है। एक और बड़ी खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अडिस अबाबा से मुंबई पहुंचे तीन विदेशी नागरिकों से 3 किलो सोना जब्त किया है। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को रोककर तलाशी ली, जिसके दौरान उन्हें लाखों रुपए का सोना हाथ लगा, जिसकी कीमत लाखों रुपयों में आंकी गई है। ये आरोपी सोने को अपने जूतों में छिपा कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ बड़ी खबरें। यूक्रेन के बखमुत शहर में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध जारी है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि 24 घंटे के दौरान बखमुत शहर में 500 से भी अधिक रूसी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं रूसी सेना बखमुत शहर में कब्जा करने के लिए कई महीनों से संघर्ष कर रही है। दोनों देशों की तरफ से लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से बखमुत शहर खंडहर में बदल चुका है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से 10 दिवसीय दिव्य कला मेला की शुरुआत हो रही है। 21 मार्च तक चलने वाले इस मेले में लगभग 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 150 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने अनूठे उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेट बंद फूड जैसे उत्पादों का एक साथ अवलोकन किया जा सकेगा। मेले में दिव्यांग कलाकारों और जाने माने पेशेवर कलाकारों की प्रदर्शन सहित तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।